गुड इवनिंग टू ऑल एंड वेलकम टू द शौर्य भारत डिफेंस योद्धा यूट्यूब चैनल एज वेल एज शौर्य भारत डिफेंस एग्जाम लर्निंग ऐप एंड वी आर डिस्कसिंग इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वेयर वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट एंड डू मेनी क्वेश्चंस विल डू मोर क्वेश्चंस बट नाउ अगेन कम टू द चैप्टर गवर्नर लेट द एंड दैट चैप्टर एंड ऑल्सो स्टेट लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर powers of the CM, powers of the Speaker of the Legislative Assembly, powers of the Deputy Speaker, विधानसभा के अध्यक्ष, विधानसभा का की संरचना, Chief Minister के power जो CM है, उन सभी के बारे में discuss कर लेते हैं। उससे पहले ये message, flat 25% discount on the all Shaurya Bharat online courses till 19th of September. So avail this offer and also books, very important books for your defense examination. These are Shaurya Bharat Defense Parikshaon Hetu Sarvashrestha Pustakein. Complete theory as well as 2000 MCQs and pattern based model test paper. And this one is the app. Let's move towards the pointers of governor. We have discussed the veto power of governor. Okay. Powers and functions of the governor. To nominate members, okay, then veto power. The veto powers of the governor as follows. Just look at, may withhold his assent in which cases it fails to become the law. Veto, मैंने क्या बताया था मतलब? Negation करना, negatives direction में जाना. तो पहला ही direction देखिए, may withhold his assent. अपनी स्वीकृति को क्या कर सकता है? रोक सकता है. गवर्नर क्या कर सकता है? रोक सकता है. मे विदहोल्ड हिज एसेंट इन विच केस इट फेल्स टू बिकम द लॉ. जो उसे लगे कि यह कानून नहीं बन पाएगा उसमें वह अपनी स्वीकृति को क्या कर सकता है? रोक सकता है. यह वीटो पावर किसके पास है? राज्यपाल के पास है, गवर्नर के पास है. ठीक है. सेकंड इंपॉर्टेंट क्या था? मनी बिल. मनी बिल यानी धन विधेयक को छोड़कर अदर देन द मनी बिल द गवर्नर में रिटर्न एनी बिल. गवर्नर किसी भी विधेयक को वापस लौटा सकता है फॉर रिकंसिडरेशन बाय द स्टेट लेजिस्लेचर. जो राज्य का विधानमंडल है उसको पुनः लौटा सकता है. राज्य के विधानमंडल में दोनों आएंगे, बार बार बता रहा हूं मैं ये चीज. अगर यदि उस राज्य में लेजिस्लेटिव असेंबली है या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल है, विधानसभा है या विधान परिषद है. अब राजस्थान की बात करें तो यह नहीं है, केवल विधानसभा है तो विधानसभा में जाएगा वापस. वह विधेयक कहां लौटा देगा? विधानसभा में. तो यह भी इसका क्या है? वीटो पावर है. किसका? गवर्नर का. नेक्स्ट, हिज हर वीटो पावर कैन नॉट बी यूज्ड अगेन एंड हैज नो अल्टरनेटिव देन टू असेंट टू इट When the state legislature passes the bill again with or without amendments. अब यहां वीटो पावर काम नहीं आ रहा है गवर्नर का. एक बार तो उसने लौटा दिया, विधानसभा को लौटा दिया बिल को, विधेयक को. फिर अगर विधानसभा उसको क्लियर कर लेती है, हिज हर वीटो पावर कैन नॉट बी यूज अगेन. दूसरी बार यूज नहीं कर पाएगा वो, एक बार यूज करने दिया जाएगा. कैन नॉट बी यूज अगेन एंड हैज नो अल्टरनेटिव Then to assent to it, यानी उस पर क्या करना पड़ेगा? उसको साइन करना ही पड़ेगा राज्यपाल को. जो बिल विधानसभा से आया है, जो विधेयक विधानसभा से आया है, when the state legislature passes the bill again with or without amendments, यदि स्टेट लेजिस्लेचर या विधानमंडल ने, राज्य के विधानमंडल ने उस बिल को, उस विधेयक को पास कर दिया है, अब वो पास या तो संशोधन के साथ किया है या फिर बिना कोई संशोधन किए वापस भेज दिया कि नहीं पास करो ये बिल रहेगा, तब राज्यपाल के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा एंड ही हैज टू असेंट. उसे स्वीकृति देनी ही पड़ेगी. तो यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यहां वीटो क्या है? अगेन नहीं लग सकता. और यहीं पर वो स्टेटमेंट में चेंज करेंगे हल्का सा. राज्यपाल अपनी वीटो पावर को जितनी बार चाहे उतनी बार काम में ले सकता है और किसी विधेयक को पुनः लौटा सकता है. सही कथन चुनिए.
ये रॉन्ग हो जाएगा, बस इतना सा चेंज करते हैं पॉलिटी के क्वेश्चंस में। तो आपको ये स्टेटमेंट एज इट इज दिमाग में वहां याद आ जाना चाहिए, द गवर्नर मे रिजर्व अ बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द, उसका अपना आका कौन सा है, कहते ना आका, गवर्नर का आका कौन है, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, उसकी दौड़ वहीं तक है। सो प्रेसिडेंट को वह रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है। गवर्नर मे रिजर्व अ बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट इफ ही थिंक्स इट फिट, उसको लगता है कि यदि ये राष्ट्रपति के पास भेजा जाना चाहिए तो वह उसको भेज सकता है। नेक्स्ट, जुडिशियल पावर द गवर्नर, क्या क्या न्यायिक शक्तियां हैं राज्यपाल के पास, हैव द पावर टू ग्रांट पार्डन, जैसे राष्ट्रपति के पास है वैसे इसके पास भी है, क्षमादान करने की शक्ति, पार्डन, रिप्राइव्स, रिस्पाइट्स और रेमिशंस, ये तो बड़े बड़े वर्ड है, बहुत से एक्सट्रीम केसेस में आते हैं, अदरवाइज हमें तो ये सिंपल सा याद रखना है क्या है, क्षमादान। पार्डन, रिप्रेव्स, रिस्पाइट्स और रिमिशन ऑफ पनिशमेंट, जो दंड का प्रावधान दिया गया है, जो पनिशमेंट दिया गया है उसको माफ कर सकता है, और टू सस्पेंड, रिमिट और कम्यूट, या तो सस्पेंड कर सकता है, निरस्त कर सकता है, रिमिट कर सकता है, पुनः उसको स्टार्ट से उस प्रक्रिया को, या कम्यूट कर सकता है, स्टेटमेंट दे सकता है, कम्यूट द सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस अगेंस्ट एनी लॉ रिलेटिंग टू अ मैटर टू विच द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट एक्सटेंड्स, जहां जहां राज्य के जो कार्यपाल, राज्य की कार्यपालिका के जो वर्क हैं वो जुडिशरी तक जहां जहां जाते हैं, और उसमें यदि कोई पर्सन है जिसने कोई ऑफेंस किया है, ठीक है, कन्विक्ट माना गया है, उसके अगेंस्ट में वह उस सेंटेंस को, उस स्टेटमेंट को क्या कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है, रिमिट कर सकता है, कम्यूट कर सकता है। ये सारे किसके पावर हैं, गवर्नर के। ये सारे किसके पावर हैं सेंटर में, प्रेसिडेंट के। तो स्टेट में किसके हो गए, गवर्नर के। तो ये कुछ जुडिशियल पावर्स हैं, इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। सो फर्स्ट, हैव द पावर टू ग्रांट पार्डन, रिप्राइव, रेस्पाइट्स और रिमिशन, ये वर्ड हैं, वर्ड को एज इट इज ध्यान में रखना। टू सस्पेंड, रिमिट और कम्यूट द सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस, लॉ की लैंग्वेज है एज इट इज वर्बरेटो, अगेंस्ट एनी लॉ रिलेटिंग टू अ मैटर टू विच द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट एक्सटेंड्स। अब यहां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, ये भी ध्यान करने, बहुत अच्छी तरह से बात की थी उस दिन हमने। हाउएवर, अब जुडिशियल पावर में यह पावर नहीं है गवर्नर के पास, और यहां क्वेश्चन फ्रेम होगा। हाउएवर, द गवर्नर हैज नो पावर टू अपॉइंट जजेस ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट, ठीक है, राज्य के उच्च न्यायालयों में जो जजेस यानी न्यायाधीश की नियुक्ति होती है उसको नियुक्त करने का अधिकार गवर्नर के पास नहीं है। तो किसके पास होगा, प्रेसिडेंट के पास, राष्ट्रपति के पास होगा, ठीक है। हाउएवर, द गवर्नर हैज नो पावर टू अपॉइंट जजेस ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट, बट ही इज एंटाइटल्ड, अब यहां जरूर हो सकता है कि प्रेसिडेंट से क्या कर ले, सलाह मशवरा कर ले, क्या कर ले, सलाह मशवरा कर ले प्रेसिडेंट के साथ, बट ही इज एंटाइटल्ड टू बी कंसल्टेड बाय द प्रेसिडेंट इन दिस मैटर, इस मैटर में, यानी जो नियुक्तियां करनी है उसमें बातचीत जरूर कर ले, वो बातचीत इंपॉर्टेंट है, किसको हटाना है उसको हटाओ, उसको लगाओ बिल्कुल लगा देंगे जी, ठीक है। देन द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट कम्स अंडर द परव्यू ऑफ द जुडिशियरी, यानी ये किसमें आते हैं, सारे न्यायपालिका में आते हैं, एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और किसके अंडर में आते हैं, सब कुछ कौन कर सकता है, प्रेसिडेंट कर सकता है। तो ये हमें ध्यान रखना होगा, यही क्वेश्चन फ्रेम होगा। सुप्रीम कोर्ट तो हमको फिर भी याद हो जाता है, हाई कोर्ट याद नहीं रहता है, और हम हाई कोर्ट देखते हैं जैसे स्टेट, हाई कोर्ट देखते हैं हमारे दिमाग में क्या आते हैं, राज्य, राज्य में होते हैं,
और राज्य होते ही हमारा राज्यपाल आएगा तो हम कहेंगे हाँ राज्यपाल बिल्कुल नियुक्त करता है, जबकि वो नहीं कर सकता है, गवर्नर नहीं कर सकता है, प्रेसिडेंट ही करेगा, चाहे राज्य हो, कोई दिक्कत हो, कुछ भी हो, केवल कंसल्ट कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। अगेन क्वेश्चन यहां पर भी फ्रेम होगा, वो फॉल्स स्टेटमेंट देंगे, द गवर्नर डज नॉट एंजॉय द इमरजेंसी पावर लाइक दैट ऑफ प्रेसिडेंट, वही आर्टिकल नंबर 356 एंड 360। कौन कौन सी है? एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल रिबेलियन, स्टेट, प्रेसिडेंशियल रूल इन द स्टेट, फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल। बट द गवर्नर कैन मेक ए रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट। अब इमरजेंसी पावर तो उसके पास नहीं है, पर क्या कर क्या सकता है? जैसे वेस्ट बंगाल का एग्जाम्पल कंटिन्यू दे रहा हूं, तो जगदीप धनखड़ जो वहां के गवर्नर है, उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई है, पूरी रिपोर्ट बनाकर किसको भेज दी? प्रेसिडेंट को, कि भाई अब आप देख लीजिए, मैं तो अपने हालात यहाँ पे बहुत बिगड़े हुए हैं, यहाँ की जो लेजिस्लेटिव मशीनरी है वो बिल्कुल फेल है, तो क्या लगा दीजिए आप किसके अंडर? आर्टिकल 356, 356 के अंतर्गत आप क्या लगा दीजिए वहां पर राज्य में? राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए, प्रेसिडेंशियल रूल लगा दीजिए। सो बट द गवर्नर कैन मेक अ रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट एंड एडवाइजिंग हिम टू अज्यूम द ऑफिस व्हेनेवर देयर इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन और क्राइसिस इन द स्टेट दैट मे रिजल्ट इन द इम्पोजिंग ऑफ द प्रेसिडेंट रूल। तो ये प्रेसिडेंट रूल के लिए इंपॉर्टेंट है, उसमें गवर्नर जरूर उसको एडवाइज कर सकते हैं कि हाँ वास्तव में यहाँ के हालात खराब है। अब हालात खराब है या नहीं है वो पार्टी पॉलिटिक्स, वो कौन सी पॉलिटिक्स? पार्टी पॉलिटिक्स। सो इंपोजिंग ऑफ द प्रेसिडेंशियल और प्रेसिडेंट रूल, सो अगेन दिस इज ऑल्सो पावर ऑफ द गवर्नर, यहां नहीं है, ये दोनों पावर नहीं है। देन अब क्या होगा ऐसी सिचुएशन, इन सच ए सिचुएशन द गवर्नर एक्ट एज एन एजेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, एक नुमाइंदा होता है। अब जैसे ही राष्ट्रपति शासन लगा तो विधानसभा भंग हो जाएगी, लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होगी? डिसॉल्व, खत्म हो जाएगी। अब वहां सीएम वीएम कुछ काम नहीं है, उनके पास कोई राइट नहीं है। अब एजेंट के रूप में कौन राइट रखेगा? राज्यपाल, क्योंकि वो एजेंट किसका है? प्रेसिडेंट का। तो उसके नुमाइंदे के रूप में यहां पर पावर रखेगा। इन सच ए सिचुएशन द गवर्नर एक्ट्स एज एन एजेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एज एंड अज्यूम्स द फंक्शंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट थ्रू इन्वोकेशन ऑफ आर्टिकल 356। राष्ट्रपति का राज्यों में शासन, राष्ट्रपति के नुमाइंदे के रूप में वह एजेंट के रूप में वहां पर एक पावरफुल पर्सन बन जाएगा। ठीक है, तो ये तो गवर्नर साहब के काफी कुछ रूल आर्टिकल लिख लेते हैं, कोई इंपॉर्टेंट। मैंने लास्ट लिखवाया था, ठीक है, कोई भी ठीक है, एक लिख लीजिए केवल इसमें 160 नहीं लिखा था हमने, 160 आर्टिकल नंबर 160, डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शंस ऑफ द गवर्नर, डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शंस ऑफ द गवर्नर इन डिस्चार्ज of the functions of the governor in certain contingencies
कौन कर सकता है ये? देखो गवर्नर, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट कर सकता है ना। लिखिए इसमें एक लाइन ऐड कर लीजिए, इस आर्टिकल का मतलब क्या, प्रेसिडेंट में मेक सच प्रोविजंस, प्रेसिडेंट मे मेक सच प्रोविजन एज ही थिंक्स फिट, एज ही थिंक्स फिट फॉर द डिस्चार्ज, एज ही थिंक्स फिट फॉर द डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शंस ऑफ द गवर्नर। फंक्शंस ऑफ द गवर्नर ऑफ स्टेट इन एनी कंटिंजेंसी, इन एनी कंटिंजेंसी। बाकी हमने लिख लिए थे, अगर क्वेश्चन आ जाए ओथ और अफर्मेशन बाय द गवर्नर, मैंने लिखवाया था ये 159 ओथ एंड अफर्मेशन। 161 तो पावर है, ग्रैट पार्डन्स जो रिप्राइज रिमिट्स जो था उस सब का, ठीक है। बस ये आर्टिकल है, तो यहाँ लगभग ये गवर्नर साहब के तो हमने काफ़ी कुछ पॉइंटर्स देख लिए। हेडिंग लगा दीजिए फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ द चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री के शक्तियाँ और कार्य। ठीक है, क्या क्या चीफ मिनिस्टर कौन होता है, सीएम को कौन अपॉइंट करता है, गवर्नर, सिंपल सी बात है। मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है, राज्यपाल। द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर एज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, एज द हेड ऑफ गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इन तीनों का हेड कौन होगा, सीएम होगा। क्या क्या हो गया, गवर्नर एज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, कौन सी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, राज्य का मुखिया के रूप में, और प्रशासकीय मुखिया, प्रशासन, प्रशासन होता है एडमिनिस्ट्रेशन, उसका भी मुखिया कौन होगा, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, एंड ऑल्सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, नेचुरल है उसी से वह चुना गया था। विधानसभा में बहुमत दल का नेता क्या कहलाएगा, मुख्यमंत्री, सीएम, चीफ मिनिस्टर। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो उसके अंडर में आएगा उन सभी का वह लीडर है। The Council of Ministers are appointed by the Governor on the advice of the Chief Minister. तो इसी का ही तो हेड है ये। तो यहां फिर क्वेश्चन बनेगा और इसमें वो चेंज कर देंगे, The Council of Ministers are appointed by the Chief Minister. That is not correct. ठीक है, are appointed by the Governor on the recommendation or advice of the Chief Minister. तो एक एक लाइन पर क्वेश्चन बनते हैं पॉलिटी में, और कुछ नहीं बस, या फिर आर्टिकल पूछते हैं। तो ये हो गया सीएम के बारे में, और देखते हैं, इन व्यू ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अ पर्सन हु इज नॉट ए मेंबर ऑफ ईदर हाउस कैन बी अपॉइंटेड एज द चीफ मिनिस्टर। अगेन इंपॉर्टेंट परव्यू है ये, लेकिन उसको 6 महीने में कहीं कहीं से क्या करना पड़ेगा, चुनाव, मतलब उसको लड़ना पड़ेगा। बट विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ही और शी
शुड बिकम मेंबर ऑफ एनी हाउस. सेम जैसे सेंटर में है वैसे वैसे, जैसे जो हमारे पीएम थे यूपीए गवर्नमेंट में मनमोहन सिंह जी, वो मेंबर नहीं थे तो वो राज्यसभा से असम से चुनाव जीत कर आए थे. ठीक है, तो यही तो कह रहे हैं कि स्टार्ट में जब उसको अपॉइंट किया जाएगा तो यह आवश्यक नहीं कि वो किसी एक हाउस से चुने हुए हो. एक हाउस, जैसे हमारे यहाँ विधानसभा एक ही हाउस है तो एक ही हाउस होगा. कहीं छह स्टेट में विधानसभा और विधान परिषद दो होती हैं तो दोनों हाउस की बात करेंगे, दोनों सदनों की बात की जाएगी. सो इन व्यू ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अनुसार जो हमारे संविधान के हैं, अ पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस, जो पर्सन है, जो व्यक्ति है, वह दोनों में से कोई भी सदन का वह सदस्य नहीं है, कैन बी अपॉइंटेड एज चीफ मिनिस्टर. उसको भी क्या अपॉइंट किया जा सकता है? क्यों नहीं कर सकते? पार्टी का नेता है, सदन में आ रहा है, बहुमत उसके पास है, सबने उसके नाम का प्रस्ताव कर दिया, चलिए साहब एक्स पर्सन है वो हमारे मिनिस्टर रहेंगे, और कोई हमें तो अच्छा नहीं लग रहा है. और फिर एक्स के लिए कंडीशन क्या बना दी गई कि वो अगले छह महीने में जो डेट से वो अपॉइंट हुआ है उसके छह महीने में वो किसी एक हाउस को वह चुन लिया जाए. तो क्या करते हैं उसके लिए? किसी एक पर्सन को हटाते हैं वहां से, फिर वहां से वो इलेक्शन जीत के आ जाते हैं उस हाउस से, जैसे ममता बनर्जी ने किया, जो चुनाव हारी थी, स्वयं खुद तो चुनाव हार गई थी वो, फिर भी सीएम है बंगाल की. अब वो एक जो एक और जगह से वो लड़ी थी, एक पर्सन को हटाया, वहां से वो लड़ी, वहां से चुनाव हुआ, जीत गई. तो इस तरह से ये लोकतांत्रिक मूल्यों की क्या रखी गई है, ऐसी आधारशिला रखी गई हमारे संविधान में. डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऐसे ही रखे गए हैं. ठीक है, शर्त डाल दी ना, आपको क्या करना होगा, विद इन ए सिक्स मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ही और शी वॉट एवर शुड बिकम मेंबर ऑफ एनी हाउस, ताकि उसकी वैधता बनी रहे. हमारे यहाँ पे भी तो कई कोर्सेज में ऐसा होता है, एकेडमिक्स में भी तो होता है कि भाई बीएड नहीं किया हुआ है पहले, केवीज में होता है शायद, जहाँ तक मुझे पता है, जो केंद्रीय विद्यालय होते हैं ना ये केवीज, उसमें केवी स्कूल्स में होता है ऐसा कि बीएड अभी नहीं किया हुआ इस सब्जेक्ट में, एक बार ले लेते हैं, फिर उनके लिए एसेंशियल होता है कि वह अगले इतने टाइम पीरियड में बीएड करके आ जाएं. सेम वो एकेडमिक्स में है, ये पॉलिटिक्स में. ठीक है, तो ये ध्यान रखना होगा, ये भी स्टेटमेंट में पूछा हुआ क्वेश्चन है. और यहाँ दो चीजें पूछ सकते हैं, एक तो क्या वह बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता, उसमें वो यस नो डाल देंगे. दूसरा टाइम पीरियड, ये सिक्स मंथ्स, ये दो कंडीशंस पूछी जाती है. नेक्स्ट, ऑफिशियल्स एंड कमिटीज इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, क्या क्या कौन कौन ऑफिशियल्स होते हैं विधानसभा में और उनकी कमिटीज क्या क्या होती है. पहले ऑफिशियल्स लेते हैं, ऑफिशियल्स में पहला आता है कौन, स्पीकर. कौन आएंगे? विधानसभा अध्यक्ष. कौन है हमारे यहां? राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष, इतने फेमस हैं वो आदमी है जो एक वोट से चुनाव हार गया था, वो भी इतिहास, राजस्थान के इतिहास में फेमस है. जोधपुर नहीं, जोधपुर तो ही कंफ्यूजन, तो बहुत आसान सा है, नाथद्वारा से चुनाव लड़ते हैं वो. सीपी जोशी, अब न्यूज़पेपर अगर आपने दो दिन से न्यूज़पेपर अगर आपने पढ़ा होता, कंटिन्यूस उनकी न्यूज़ आ रही है, उन्होंने सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी थी परसों, काफ़ी बहस हो गई थी और वापस अशोक गहलोत ने कैसे भी करके मामला शांत करवा कर वापस सदन को स्टार्ट करने की परमिशन दी है, क्योंकि मानसून सेशन चल रहा है. तो ये न्यूज़पेपर वह हैं जो आपकी हर नस को बताते हैं. ठीक है,
तो स्पीकर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा अध्यक्ष वही हैं जैसे स्पीकर लोकसभा के होते हैं। द स्पीकर इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इटसेल्फ एंड इज द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द असेंबली। क्या है? प्रिजाइडिंग ऑफिसर है असेंबली के, जितने भी निर्णय लेने होंगे, जो भी चुनाव, जो भी पक्ष में वोट, कोई बिल पास कराना, ये सब काम कौन करेंगे? स्पीकर प्रिसाइडिंग ऑफिसर है। द स्पीकर हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड पावर्स ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस ऑफ द असेंबली, यानी जो सदन का जितनी भी कार्यवाही है उसको करने के लिए कौन उत्तरदायी होते हैं? विधानसभा अध्यक्ष होते हैं। इन ऑर्डरली मैनर, किस तरह से करेंगे? जो क्रमानुसार। मेंटेनिंग डेकोरम, डेकोरम भी मेंटेन करना है, बहस होती है वो स्थगन का प्रस्ताव ला सकते हैं, सब बाहर जाइए, बात खत्म, कोई बहस नहीं करेगा, ये पावर है स्पीकर के पास, जो कल परसों हुआ था। एंड रेगुलेटिंग इट्स प्रोसीजर इन टर्म्स ऑफ अलाउइंग द मेंबर्स टू क्वेश्चन स्पीक ऑन मैटर्स ऑफ इंपॉर्टेंस, बजट्स एंड ऑल्सो ग्रांट्स, बजट, मांग, अनुदान और ऐसे मैटर्स जो बहुत इम्पॉर्टेंट है राज्य की उस समस्याओं से, उन योजनाओं से, तो उस पर भी चर्चा करने में प्रमुख कौन होंगे? स्पीकर होंगे। तो ये कुछ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर के फंक्शंस हो गए। तो पहला यहाँ आता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, असेंबली का ऑर्डरली मैनर में चलाएंगे, डेकोरम मेंटेन करेंगे, कोरम मेंटेन करने के लिए सदस्यों को कह सकते हैं, और सदन चले इसके लिए सदस्यों को प्रेजेंट रहने का कह सकते हैं, नहीं तो कार्रवाई कौन करेगा? सदन स्टार्ट कर दिया, स्पीकर आके बैठ गए, एक इधर बैठ गए, एक दो इधर आ गए, बस तीन जने बैठे हैं विधानसभा में, तो समन कर सकते हैं मिनिस्टर्स को, आप क्यों नहीं आ रहे हैं, आपकी एबसेंट लग रही है यहां पर, ठीक है, बिल्कुल वहां पर भी एब्सेंट और प्रेजेंट लगती है, बायोमेट्रिक किया हुआ है। और स्पेशली बजट के मैटर पे और ग्रांट्स, अनुदान मांगों पर जो दिया जाता है वह स्पीकर के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट, द स्पीकर इज द इंटरप्रेटर ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेचुरल है, जब वो स्पीकर बन जाएगा तो वह किसी पार्टी का नहीं होगा, तो वह संविधान के जितने भी रूल्स रेगुलेशन है उनको इंटरप्रेट कर सकता है, उस समय वो उस पद पर है, उसको ये अधिकार है, सो ही कैन इंटरप्रेट प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रूल्स ऑफ प्रोसीजर, जो भी नियमों का प्रक्रम है, करने का तरीका है, उनको इन द असेंबली प्रोसीडिंग्स, जो असेंबली की सदन की कार्यवाही है उसको, रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड लेजिस्लेटिव प्रेसिडेंट्स विद इन द असेंबली, सदन के अंदर, ठीक है, पावर है ये सदन की कार्रवाई का। और क्या कर सकता है स्पीकर? स्पीकर हैज द पावर टू एडजर्न, स्थगन जो कल किया था, सस्पेंड एंड रिज्यूम, पुनः जोड़ना द सेशन, सत्र को, एंड सस्पेंड द मेंबर्स फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन द सेशन, हटा भी सकता है, ज्यादा हाहू नहीं कर सकते दूसरे मेंबर्स, व्हेन देयर इज ए वायलेशन ऑफ रूल्स, जब सिद्धांतों का क्या हुआ हो, मखौल उड़ाया गया हो, जैसे सेंटर में करते हैं ना, सदन में वेल में आकर बिल लेकर फाड़ के उसके पेजेज उछाल देते हैं, स्पेशली जो हमारे साउथ इंडियन या फिर नॉर्थ वाई ओडिशा वगैरह वाले हैं या वेस्ट बंगाल वाले हैं, स्पेशली वो करते हैं, वायोलेशन ऑफ रूल्स प्रोसीजर्स एंड रेगुलेशन ऑफ द असेंबली, जो एक कोरम है, डेकोरम है, कोरम नहीं डेकोरम है, जो असेंबली का वो मेंटेन रखने का काम इन सभी पावर से मिलता है। तो जनरल रूल है ये, तो इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, ये लाइन जरूर याद रखनी है, पावर टू एडजर्न, सस्पेंड एंड रिज्यूम एंड ऑल्सो इनिबिट, सस्पेंड द मेंबर्स, ये इतनी चीजें आपको याद होनी ही चाहिए। नेक्स्ट, द स्पीकर हैज टू जनरली मेंटेन न्यूट्रैलिटी, और वही वोट, एक वोट उसका होगा, फिर कास्टिंग वोट कहा जाता है। अब क्या होता है, जैसे बताया था लोकसभा में वैसे वैसे रूलिंग पार्टी और ऑपोजिशन, कोई बिल आपने दिया
वोटिंग हुई, दोनों बराबर वोटिंग हो गई। उस दिन जो प्रेजेंट थे दोनों पार्टियों के मेंबर, तो वोटिंग टाई हो गई। लेट्स सी एग्जांपल, इधर 55 मेंबर थे, इधर भी 55 वोट आ गए, इक्वल वोट दोनों में आ गए। ठीक है, इक्वल वोट दोनों में आ गए, अब क्या करें? और बिल पास करना एसेंशियल है, तो स्पीकर साहब अपने पद से हटेंगे फॉर ए वाइल, पद से हटते ही वो पार्टी के विधायक बन जाएंगे, जीत कर आए थे एमएलए, विधानसभा में एमएलए होंगे, वहाँ एमपी होते हैं, यहाँ एमएलए होंगे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और जाकर अपना वोट कास्ट कर देंगे, अपने दायित्व का निर्वहन कर दिया, एक वोट दे दिया, एक वोट देते ही जो 55 था वो कितना हो जाएगा, तो रूलिंग पार्टी, और यहाँ 55 रह गया, यानी एक ज्यादा हो गया, ये बिल पास हो जाएगा। सो सेम प्रोसेस ऑफ स्पीकर ऑफ द लोअर हाउस, हाउस ऑफ द पीपल, लोकसभा वाला ही प्रक्रम है, देख लीजिए। द स्पीकर हैज टू जनरली मेंटेन न्यूट्रलिटी एंड इम्पार्शियलिटी व्हाइल कंडक्टिंग द बिजनेस ऑफ द हाउस एज वेल द स्पीकर्स वोट बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट व्हेन देयर इज अ टाई ऑन एनी इश्यू रिगार्डिंग पासिंग ऑफ बिल, मोशन एंड रेजोल्यूशंस। इन तीनों में वह कर सकते हैं, कोई बिल हो, कोई मोशन हो, या फिर कोई रेजोल्यूशंस हो। तो यहां पर स्पीकर की वैल्यू हमें पता चलती है। स्पीकर अपना रिजाइन किसको देता है? यस, बिल्कुल, किसको देगा? डिप्यूटी स्पीकर को। अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? उपाध्यक्ष को, वाइस वर्सा, ऐसे चलता है सब कुछ। देन द स्पीकर हैज टू जनरली में, अच्छा सेम स्लाइड आ गई, सेकंड डेप्यूटी स्पीकर, उपाध्यक्ष, ये नाम आप मुझे बताएंगे। देखें, राजस्थान विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन है? मुझे भी नहीं याद है, सर्च करके बताना। ठीक है, राजस्थान विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन है, कोई है या नहीं है, ये भी हो सकता है। देखो, कोई नाम आ रहा है क्या? ये जीके के ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपटीशन में। द डेप्यूटी स्पीकर इज ऑल्सो इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द असेंबली फ्रॉम अमंग्स देमसेल्फ। नेचुरल है, उसी असेंबली से चुना जाएगा जिससे स्पीकर चुना गया था, क्योंकि हमारे यहाँ एक ही लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो उसी से चुना जाएगा। देन यस, प्रतिपक्ष नेता, ऑपोजिशन लीडर गुलाब चंद कटारिया जी, ठीक है, ही परफॉर्म्स द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। फिर भी मैं कंफर्म करूंगा वो उपाध्यक्ष है या नहीं, वो ऑपोजिशन लीडर तो है पर वो उपाध्यक्ष है या नहीं ये देखना होगा। ही परफॉर्म्स द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द स्पीकर एज इज एब्सेंस प्रिसाइड्स ओवर द असेंबली इन द एब्सेंस ऑफ द स्पीकर। तो नेचुरल है, जब प्रेसिडेंट है वो स्पीकर जो है वो एब्सेंट है, तो डेप्यूटी स्पीकर उसका प्लेस लेगा। द डेप्यूटी स्पीकर हैज ऑल्सो पावर्स ऑन पार विद द स्पीकर, वो पावर्स हैं जो हैंड ओवर हो जाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, दैट इज ऑल फॉर लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर वेयर वी करंटली डिस्कस्ड ऑन स्पीकर एज वेल एज डेप्यूटी स्पीकर एंड द पावर्स एंड राइट्स ऑफ द सीएम एंड ऑल्सो गवर्नर।